पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। एक विशेष बात के लिए लाइव आया हूँ मैं। आप लोग पोस्टर को चेंज कर देते हो किसी के नाम से, आप जिसका नाम चेंज कर रहे हो, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो मेरे दिल में और मेरे नज़र में उनकी छवि क्या है, उनकी अहमियत क्या है। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो गार्जियन हैं मेरे, और गार्जियन के लिए मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फ़ैन होने का मतलब ये भी नहीं होता है मेरे भाई कि आप किसी को मेरे लिए गाली दो। क्यों दोगे आप? आपको गाना से मज़ा लेना है, आप गाने से मज़ा लीजिए। आप किसी की पोस्टर चेंज कर देते, उस गाने में ऐसे क्या बात है? अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं शुरू से नाम लेता। लास्ट में हर आदमी का, हर राइटर का नाम होता है। राइटर जो लिखा है उसकी हक बनती है, जो मेहनत किया है उसकी, उसका हक बनता है। वो मेरे बड़े भाई हैं। और आप लोग किस बात के फ़ैन हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ़ैन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करें। और आप भोजपुरी के नाम पे क्यों ऐसे गंदी काम कर रहे हो आप लोग? गाने का मतलब कुछ और होता है, आप लोग कहीं और जोड़ते हो। आप जिस आदमी का नाम जोड़ रहे हो उस आदमी को मैं भगवान की तरह मानता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, पूजनीय हैं मेरे लिए। और आप उनका नंबर आप फेसबुक पे डालते हो। आपके पास अगर नंबर है तो आप ठीक है ना, अपने काम के लिए इस्तेमाल करिए। आपको कभी बात करनी होगी तो उसके लिए आशीर्वाद प्यार देने के लिए आप नंबर रखिए। आप मेरा भी नंबर फेसबुक पे डाल भाई। और ये ज़्यादा लोग नहीं है, 25 उधर होंगे, 25 इधर होंगे, जो कि असामाजिक तत्व वाले चीज़ें लोग हैं। ये बेमतलब की विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, फालतू के विवाद पैदा कर रहे हैं। पोस्टर कुछ और होता है, आप उसको डिज़ाइन करके कुछ अलग बनाते हो। फैन का मतलब भाई, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी उतना ही प्यार करिए आप। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भोजपुरी के स्तंभ हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया है यार। और आप, मैंने आज फेसबुक देखा और इतने टाइप की भी गंदी गंदी चीज़ें, क्यों यार? और जो मेरे बड़े भाई पवन भैया, वो भी मेरे कहीं ना कहीं हम दोनों के प्यार से एक दूसरे को हम लोग बड़ा किए हैं। उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ यार। आप ऐसी हरकतें मत करो। फैन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गाली दो। ये कौन सा फैन है भाई? आप गाली दे दोगे तो मैं आपको बहुत प्यार करूँगा जी, सॉरी नहीं। और जो पवन भैया को चाहने वाले लोग हैं, आप अगर मुझे गाली दे देंगे तो आपको अवार्ड देंगे, ऐसा है क्या? हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आज भी मैं जाता हूँ या मिलते हैं, हम दोनों भाई, आप लोग भाई हैं। और आप उनको भी अपना बड़ा भाई मानिए, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ यार। मेरी माँ उनकी माँ है, उनकी माँ मेरी माँ है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो हमारी माँ आपकी माँ हुई ना, तो उनकी भी माँ आपकी माँ हुई, उनकी बहन आपकी बहन हुई, हमारी बहन आपकी, जैसे हम आप सबकी बहनों को अपनी बहन मानते हैं। और मानना क्या है? आप हैं, वो हमारी बहनें हैं। हम किसी को, किसी गाने को लेकर और हम अलग मोड़ दे दें, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? प्यार करने का मतलब ये थोड़ी हुआ। हाँ, प्यार करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी के लिए किसी को गाली दें। आज आप उनको गाली दे रहे हो तो कल मुझे भी दोगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पूजनीय लोग हैं, आप लोग ईश्वर के स्वरूप हैं, आप मेरे भाई हैं और वो मेरे बड़े भाई हैं। तो मेरे बड़े भाई का मैं चाहता हूँ कि आप सम्मान करिए, आप उनका भी गाना खूब सुनिए। हमें भोजपुरी को आगे करना है ना, हमें भोजपुरी को बढ़ाना है, या हम एक दूसरे के विवाद में अपने भोजपुरी की स्तंभ को ख़त्म कर दें? मेरा नंबर उनके फैन जो हैं वो फेसबुक पर डालते हैं, क्यों? हम दोनों को आप लड़ा दोगे और हम लड़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई ही रहेंगे मेरे। आपके कहने से मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता और आपके कहने से वो मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक सम्मान की भावना है, एक दूसरे के प्रति इज्जत की भावना है। और आप लोग पोस्टर चेंज कर देते हो, उस गाने का रूप ही बदल देते हो। और हम दोनों भाइयों में कोई ऐसा भी बात नहीं है यार, हम दोनों भाई एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। वो आदमी मुझे अपने बेटे की तरह मानता है और उनका हूँ भी मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ उनसे। उनको भी प्यार दो। वहाँ आप पवन सिंह को मत सुनो, वहाँ भोजपुरी को सुनो। यहाँ आप खेसारी को मत सुनो, वहाँ भोजपुरी समाज के लिए सुनो। भोजपुरी के स्तंभ की चीज़ें को सुनो, भोजपुरी भाषा को आप प्रमोट करो। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर आप किसी को गाली दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये कौन सा रामायण और गीता में लिखा है कि हम किसी को गाली देंगे? लव यू ऑल, सारे लोग, दिल से प्रणाम सबको, थैंक यू।